हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ सूजी और आलू का बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चे और बड़े दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी सूजी हम ले लेंगे। आप कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद से इसमें हमने थोड़ा सा कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट यानी कि नमक स्वाद अनुसार। एक चम्मच जीरा लिया हुआ है मैंने, जिसे हम हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में मैंने चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। अब हम इसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, पानी को एक साथ मत डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें सूजी एक कप ली हुई है, तो हमने एक कप पानी भी लिया हुआ है इसमें। हाँ, सूजी कितना पानी अब्जॉर्ब कर रही है उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो एक कप पानी डालने के बाद देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा मैंने कम ही एक कप से पानी डाला हुआ है। और साथ में हम थोड़ा सा इनो डाल देंगे। और हाँ, 10 मिनट के लिए सूजी को पहले रेस्ट रखिएगा, फिर जाके उसमें इनो डालिएगा। एक कटोरी ले लीजिएगा, इसे ऑयल या फिर किसी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। तो इस तरह से, मेरी थोड़ी गहरी वाली कटोरी है तो मैंने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया हुआ है। उसके बाद से मैं इसमें सिर्फ 3 टीस्पून ये बैटर डाल रही हूँ, यानी कि 3 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि हमें एक छोटा सा बन बनाना है, जिसके लिए हमें इसमें 3 चम्मच मात्र डालना है। सेम प्रोसेस के साथ हम सारे बैटर को किसी कटोरी या फिर ग्लास में सेट कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने इसे छोटी छोटी कटोरियों में 3-3 चम्मच डाल रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बन नहीं बनाना है, छोटा सा बनाना है, तो इसलिए मैंने 3-3 चम्मच मात्र डाला हुआ है। इस तरह से मैंने सभी कटोरियों में अच्छी तरीके से रख लिया। साथ में एक छन्नी वाली थाली में सभी को रख लेंगे। एक भगोने में पानी रख देंगे, अच्छे से उबलने देंगे और इसे ढक करके भगोने के ऊपर रख देंगे 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने के लिए। जब तक स्टीम हो रहा तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल लीजिएगा, 1 चम्मच जीरा यानी जिसे हम क्यूमन सीड्स कहते हैं वो डाल लेंगे। साथ में ही मैंने इसमें डाला हुआ है 1/2 चम्मच धनिया, खड़ा वाला धनिया है, अगर हो तो डाल लीजिए, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। हल्का सा उसे भुनने के बाद हम इसमें एक बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। हल्का सा प्याज को भून लेंगे, फिर हम इसमें 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। अगर आपके पास हरी मिर्च है या फिर सूखी मिर्च ही डालनी है तो कट करके उसे आप प्याज के साथ ही डाल दीजिएगा पहले ही। हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू डाल लेंगे। तो 3 से 4 बड़े आलू मैंने लिए हुए थे, उन्हें अच्छे से फोड़ लिया हुआ है। मसाले कुछ ऐड करते हैं, चाट मसाला है, गरम मसाला है, साथ में ही इसमें हल्दी और नमक है। तो 1/2 चम्मच सभी चीज़ों की क्वांटिटी है, हल्दी 1/3 टीस्पून और नमक जो है स्वाद अनुसार है। 1/2 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद लास्ट में अच्छे से इसे मिला करके मैशर की हेल्प से अच्छी से सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई। इसे निकाल करके रख दीजिएगा हल्का सा ठंडा होने के लिए। लगभग 15 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे, देख सकते हो आप, अच्छी तरीके से ये फूल गया है। अब इसे हम निकाल करके ठंडा कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और फिर किसी चाकू की हेल्प से इसे साइड्स को कटोरी से अलग कर लीजिएगा। तो हल्के से घुमाते हुए आराम से ये बिल्कुल निकल जाएगा, और देख सकते हो आप, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो गया। देख सकते कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना हुआ है। तो अच्छे से सभी सारे को एक एक करके हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसे अच्छे से रख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा। अब सभी को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अपने बंस को कट कर लेते हैं बर्गर की शेप में। तो आराम से इस तरह चाकू की हेल्प से दबाते हुए आराम से हम कट कर लेंगे। देख सकते हो आप, कितने अच्छे तरीके से कट हो गया। आप चाहो तो इसे इसी तरीके से हल्का सा ऑयल के 1 चम्मच तेल लगा करके तवे पर गर्म करके खा सकते हो, या फिर बिना तेल का भी इसे खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। अब हमने बन बना रहे हैं तो हम इसके ऊपर थोड़े सॉसेस लगा देते हैं। तो मैं दोनों ही भाग पे टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। आप चाहो तो अलग अलग सॉसेस लगा सकते हो, हरी वाली चटनी और टोमेटो सॉस भी। जो आलू की स्टफिंग बनाई है हमने, उसकी एक बड़ी सी बॉल बना करके इसके ऊपर रख करके हल्का सा प्रेस कर देंगे, टिक्की के जैसा बना देंगे। और इस तरह से दूसरे वाले बन को भी रख करके हम हाथों की हेल्प से हल्का हल्का दबा देंगे। इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस के साथ चलिए सभी को बना करके रेडी कर लेते हैं। उसके बाद से तवे पर हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे चारों तरफ। अच्छी तरीके से तेल लगाने के बाद हल्का सा जब तवा हमारा गर्म हो जाएगा, तो इस पर थोड़े से तिल और राई के दानों को छिड़क लीजिएगा, साथ में चिली फ्लेक्स। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप कर दीजिएगा, या फिर आपके बच्चे जितना तीखा खाते होंगे उस हिसाब से बनाइएगा। हल्का सा इन्हें दोनों तरफ से तिल को लगाते हुए गर्म कर लीजिएगा।
और दोनों तरफ से उलट पलट करके हल्का सा इसे हम कुरकुरा यानी क्रिस्पी कर लेंगे। तो जब ऊपर की लेयर कुछ इस तरह की हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तब समझ लीजिएगा कि आपका बन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा टेस्टी सा चटपटा सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ऐसी और सारी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। तो फिलहाल मैंने इसे सर्व किया टोमेटो सॉस के साथ। अगर बन जाने के बाद आप इसे चाहें तो ऊपर वाला बन हटा करके इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर सकते हो, उससे भी खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।